नमस्ते, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। देखिए, एक मैंने छोटी लौकी ली थी, 200 ग्राम करीब थी। ये 2 चम्मच बड़ी वाली बेसन, इस आधी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल छोटी वाली लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये मूंगफली दाने, भुने हुए मूंगफली दाने, ये स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया इसमें, ये 2 प्याज कटे हुए, 2 हरी मिर्च, 4 लहसुन, ये तेज पत्ता और 2 टमाटर। तलने के लिए हमने तेल लिया है। देखिए, सबसे पहले आज मैं बहुत कम तेल में सिखाऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बेसन डालेंगे, थोड़ा सा नमक, आधा 1/4 चम्मच नमक, इन दोनों को हम पानी से मिला लेंगे। हल्की सी इसमें अजवाइन डाल देंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन। देखिए, मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें मैं 1 चम्मच थोड़ा सा तेल डालूंगी। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, उसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे और हल्का सा हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए, मैंने फ्राई पैन में सारे मसाले डाल दिए, मूंगफली दाने भी डाल देंगे ऊपर से। अब इनको धोने के लिए भून के फिर हम मिक्सी में पीस लेंगे कोफ्ते के लिए मसाला। इसको चम्मच की सहायता से चला देते हैं, गैस को धीमा करके। देखिए, हमारी ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, ये मैंने एक प्लेट में निकाली है, तो हल्का सा ठंडा होके फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। फ्राई पैन में तेल डाल के कोफ्ते बनाना तैयार करती हूँ। देखिए, जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने इसमें थोड़ा सा कटोरी में जो तेल था वो डाल के और कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दिए। सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए, अब वे गैस को धीमा कर देंगे। देखिए, हमारे कोफ्ते सिकने वाले हैं, इनको हम निकाल के, देखिए सारे कोफ्ते सिक चुके हैं, मैंने ये सारे कोफ्ते निकाल लिए। देखिए, हमारा जीरा भुन चुका है, अब इसमें मैं ये वाला मिक्सी वाला मसाला पीस जो पिसा हुआ है इसको डाल देंगे। देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है और ज़्यादा तेल भी नहीं है, इसमें बहुत कम तेल में बनाएंगे। इसके बाद में मैंने ये घोल के रखा था, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसमें डाल देंगे। देखिए, हमारा मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक जो निकाल के रखा था, ये कोफ्ते डाल देंगे। देखिए, कोफ्ते डाल दिए मैंने, अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, 1 गिलास ये वाला, 1 गिलास पानी डाल दिया मैंने। देखिए, एक उबाल आ जाए उसके बाद हम बंद कर देंगे। देखिए, हमारे कोफ्ते में एकदम उबाल आने लगा है, गैस को मैंने धीमा कर दिया है, 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, हमारी सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है, अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। हाँ, अगर आप मलाई ऐड कर सकते हैं ऊपर से तो कर लीजिए, अगर आपको पसंद हो सर्व करें। देखिए, हमारे कोफ्ते एकदम बन के तैयार हुए, ऊपर से थोड़ी मलाई डाल दी है मैंने। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर करें एंड लाइक करें। नमस्ते।